हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पैशन दीपक बायोलॉजी क्लासेस इन जॉब हॉस्टल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल हम प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में और देखेंगे इसकी डिटेल एलिजिबिलिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स से, तो आपको अपने चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और यहाँ पे आपको मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसके जो है वीडियो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया ये है CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जो कि हैदराबाद जोनल सेंटर IISCT कैंपस तरनगा हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वेरियस प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोजिशन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा टोटली आपका ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन जो मेंशन कर रखी है और जो लास्ट डेट इन्होंने मेंशन करी है वो 14 नवंबर 2021 इवनिंग 5 PM तक है। तो यहाँ पे बात करें डिजिग्नेशन की, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोजिशन है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 10 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है। और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको फील्ड विजिट सर्वे एंड सैम्पल करेक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें एमोलूमेंट्स की, आपको मंथली कितना रुपया दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे 20,000 प्लस HR जो कि है आपको यहाँ पे दिया जाएगा एज इन मंथली एमोलूमेंट्स में, ठीक है। तो ये तो हैदराबाद में सिचुएटेड, तो यहाँ पे आपको आई थिंक मे बी 24% HR यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको 20,000 प्लस आपका 24% HR यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट की भी 3 पोजीशंस को निकाला गया। यहाँ पे आपका MSc होना चाहिए एनवायरमेंटल साइंस और BA या BTEC एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। यहाँ पर भी आपको फील्ड सर्विस सैम्पलिंग कैरेक्टराइजेशन ऑफ सैम्पल और यहाँ पे आपको जो एमोलूमेंट दिया जाएगा वो आपको 25,000 प्लस आपका HR है। यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने मेंशन कर रखी है कि अगर आपके पास CSIR नेट है या आपके पास जो है ICAR नेट भी है तो या गेट है, तब आपको यहाँ पे जो है आपका एमोलूमेंट्स को इंक्रीज करके 31,000 पर मंथ प्लस आपका HR जो रहेगा 24% वो सारा आपको नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका नेट है तो आपको यहाँ पे जो है आपका पैसा जो है वो बढ़ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है टोटली वो ऑनलाइन बेस पे रहेगा। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट डेट है 14 नवंबर 2021 के लास्ट डेट है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपके जो भी सेल्फ टेस्ट स्कैन कॉपी है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, चाहे वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, एज प्रूफ हो, कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, तो ये सबका आपको सिंगल PDF बनाना है। और आपका जो सिंगल PDF होना चाहिए उसका जो लाइक स्पेस होना चाहिए वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सारा करके आप एक सिंगल PDF बनाइए और उसे आपको सेंड करना है HZCPARDCRUIT@gmail.com पे बाई 19 नवंबर। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो मेंशन कर रखी है 19 नवंबर यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और फाइल नेम में आपका जो एप्लीकेशन नंबर जो भी जनरेट हुआ होगा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो मेंशन करना कंपलसरी है, ठीक है। तो वो मैंडेटरी है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर मेंशन करिएगा फाइल नेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू जो है वो आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू जो है वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से होगा, चाहे वो आपका स्काइप पे के थ्रू भी हो सकता है या आपका जो है वो आपका गूगल मीट के थ्रू भी हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।